हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि एक लोगों ने कमेंट किया था कि मैम सीबीएल के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए कि सीबीएल क्या होता है। सीबीएल यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, दक्षता आधारित अधिगम क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि योग्यता का मतलब क्या होता है और लर्निंग का मतलब क्या होता है। तो गाइस देख लेते हैं। तो कॉम्पिटेंसी यानी योग्यता, योग्यता वह कौशल, दक्षता, ज्ञान व दृष्टिकोण है जो कि व्यक्ति को, जो कि लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसको अपने रियल लाइफ में उसको हेल्प करता है, जो कि हम सीखे हुए हैं। और अधिगम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हम सीखे हैं तो उसके द्वारा अपने बिहेवियर में हम क्या पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि कभी लिखा रहता है सीखना और कभी लिखा रहता है अधिगम, दोनों में थोड़ा सा एकदम माइनर सा डिफरेंस है कि सीखना उसमें हम सीखते हैं, लेकिन जो अधिगम होता है उसमें हम सीखे हुए ज्ञान को अप्लाई करते हैं, यानी कि उसमें हम अरे अंदर जो हम सीखे हैं तो उससे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं जो कि हमारे बिहेवियर में दिखते हैं। तो ये होता है लर्निंग यानी कि अधिगम। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग यानी ऐसा अधिगम जो हमारे रियल लाइफ में हेल्प करे, वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होता है। तो आज के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में जो NEP 2020 है उसमें भी ये टर्म यूज किया गया है कि इस पर टीचर्स को बल देना चाहिए, इस पर फोकस करना चाहिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में। और अगर आप NCERT की बुक देखेंगे तो उसमें जो विषय सूची रहता है उसमें ये मेंशन किया गया है कि बच्चों को जो टीचर्स नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसमें वो ध्यान रखें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसने देखा है कि NCERT के बुक में इसका मेंशन किया गया है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग यही होगा कि हम बच्चों को सेंटर में रख कर, यानी बाल केंद्रित शिक्षा की बात भी की जा रही है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे को सेंटर में रखते हुए ऐसा नॉलेज ऑब्टेन करना, ऐसा नॉलेज देना ताकि बच्चे जो हैं वो सीखें और सीखे हुए ज्ञान को अप्लाई कर पाएँ अपने रियल लाइफ में। यानी वो जो सीखे उनके केवल माइंड में न रहे बल्कि उनके रियल लाइफ में वो यूज हो। तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम कहेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। यानी बच्चे को अगर हम कविता वाचन करा रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि बच्चों का जो उच्चारण होता है, प्रोनंसिएशन होता है, वो क्या बेहतर हुआ या नहीं। क्योंकि अगर हम पढ़ाने जाते हैं बच्चे को तो पहले हम अपना ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं कि ये बच्चों को हम सिखा देंगे। तो जैसे अगर हम कविता वाचन करवाते हैं तो उसमें हमारे उद्देश्य जो होते हैं कि बच्चे कविता का सस्वर वाचन करना सीख जाएंगे, बच्चों को शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, बच्चों को शब्दों के अर्थ का ज्ञान हो जाएगा। तो हम बाद में इवेल्युएशन करेंगे कि वास्तव में हमने जो ऑब्जेक्टिव रखा है बच्चों ने गेन कर पाया है। अगर बच्चे गेन कर पाए हैं तो यानी कि हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को हम फॉलो किए हैं। तो गाइस, मुझे आशा है आप लोगों को CBL टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई और टर्म ऐसे हैं जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेंशन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।